Just some breaking news that's coming in. This is in connection with the Neeth showdown in Bihar. The Bihar Deputy Chief Minister has alleged an RJD link to the Neeth paper leak. And this is a remark that's been made by the Bihar Deputy CM that Tejaswi's aide was part of the paper leak. Deputy CM Sinha has said won't spare anyone. This is a big conspiracy. इसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। All right, now we're crossing back over to my colleague Abhishek, who remains on the broadcast with us, and he's been tracking all the developments when it comes to the Neeth irregularities. Abhishek ji, hum ab sun rahe ki Bihar ka deputy CM ab ek bada conspiracy allege kar rahe hain. देखिए बिल्कुल, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि नीट में जो धांधली हुई है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आरजेडी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने एक बड़ा आरोप आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री जो हुए थे पूर्व तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनके जो करीबी हैं और सहयोगी हैं प्रीतम, उनके ऊपर जो है आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रदीप कुमार जो कि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको फोन करके अपने फोन से, और सिकंदर जो कि अनुराग यादव का फूफा लगता है जो कि जूनियर इंजीनियर है दानापुर डिवीजन में, उसको फोन कराया था और एक कमरा बुक करने के लिए कहा था NHAI के गेस्ट रूम में, जिसके अंदर नीतीश और अमित आनंद की मुलाकात उस बच्चे से हुई थी और वहीं पे वो क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, आंसर बताए गए थे और उसके बाद अगले दिन वही सवाल जो है वो नीट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल था कि आखिर किसके कहने पे ये रूम बुक कराए गए थे, और इसकी जांच के लिए भी विजय सिन्हा ने कहा है कि हम उसकी जांच कराएंगे और अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर होगी। जी अभिषेक जी, इसके खिलाफ में ये अभी तक तो एक एलिगेशन है जो बिहार के डेप्यूटी सीएम बना रहे, पर ये एलिगेशन आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए बिल्कुल, अब जो पूरी जांच है वो EOU कर रही है। EOU ने जिस तरीके से जो रजिस्टर मिला था NHAI के गेस्ट हाउस में उसको जब्त किया है, उसके बिहाव से जांच कर रही है। बिल्कुल वो उन सभी लोगों से पूछताछ करेंगे जो भी इस गेस्ट हाउस को बुक करने में शामिल है, उन सभी लोगों तक जो पटना पुलिस की जो टीम है वो पहुंचेगी, जो लोग भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। इसीलिए आप देखिए कि 9 स्टूडेंट्स जो कि ये अलर्ट था जिनके ऊपर कि भाई उन्होंने पेपर लीक करवा के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, उन सभी 9 लोगों को बुलाया गया था EOU ने पूछताछ के लिए, लेकिन 2 लोग पहुंचे थे कल और बाकी 7 नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसे में जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे जो भी इस जांच के दायरे में आ रहे हैं, जब में आ रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और विजय सिन्हा की माने तो ऐसे तमाम लोग जो इसमें संलिप्त होंगे उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो बिल्कुल निश्चित होगी। जी अभिषेक।